हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हमने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियो देख लिए हैं और वहां पर हमने ग्रेविटेशन के बारे में और केप्लर्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है। आपको लगता है कि वो वीडियो आपको देखने चाहिए तो उन दोनों वीडियो के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया और वो कहाँ पर बताया, तो इसी लॉ में बताया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एप्पल न्यूटन के सामने गिर गया और न्यूटन ने कहा कि हाँ यार यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है। नहीं, आपको पता होगा केपलर ने तीन लॉ दिए थे, केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये लगभग दिए थे 1609 में, ठीक है। लेकिन केपलर को ये नहीं पता था कि इसके पीछे रीजन क्या है। केपलर ने तीनों लॉ दे दिए लेकिन केपलर को ये नहीं पता कि यार इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। उसके 60 साल बाद न्यूटन ने केपलर के तीनों लॉ को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने दुनिया के सामने अपनी एक थ्योरी रख दी जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी लॉ के अंदर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, ग्रेविटी के बारे में बताया। अब इस थ्योरी के अंदर न्यूटन ने क्या बताया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। सो डियर फ्रेंड्स, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द डेफिनाइट फोर्स। अब इस थ्योरी के अंदर न्यूटन ने यह बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द डेफिनाइट फोर्स। मतलब कोई भी हो, जितने भी प्लैनेट हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हो हमारे सोलर सिस्टम में, वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द डेफिनाइट फोर्स। मतलब हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक डेफिनाइट फोर्स है। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे F। दोनों के बीच में एक फोर्स है और वो फोर्स क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये जो फोर्स है वो M1 को भी अट्रैक्ट कर रहा है और M2 को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, इसी फोर्स के बारे में न्यूटन ने और क्या कहा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। अब इसी के अंदर न्यूटन ये कहा है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, दोनों का मासेस का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मासेस दो हैं m1 m2, दोनों के मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए, अगर मास बढ़ गया, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास पहले 10 kg था, अगर मैंने 20 kg कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बढ़ा दिया, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए पहले 1 न्यूटन का फोर्स था, मैंने क्या कर दिया, 20 kg मास कर दिया, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2 न्यूटन हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर मास बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैंने सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये चीज़ें बताई है। और क्या कहा, देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस तो जरूर होगा ना, तो ये जो डिस्टेंस का जो स्क्वेयर होता है, डिस्टेंस का स्क्वेयर, ठीक है, इसको क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वेयर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा, ठीक
ठीक है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वहां पर डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब किस तरीके से कम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो हमने क्या देखा इस लॉ के अंदर, हमने देखा कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। यानी मैंने इस तरीके से लिख लिया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया। अब दोनों को मैं अगर कंबाइन करूँ तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, एफ प्रोपोर्शनल टू द एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर, मतलब मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डी स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको ये साइन दिखाई देगा, किसका साइन है, ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, किसका है, प्रोपोर्शनलिटी का। अगर इस साइन को अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम क्या कॉन्स्टेंट लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे कैपिटल जी, तो कैपिटल जी कॉन्स्टेंट बनेगा। तो ये बन गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेयर। तो ये बन गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी प्लैनेट के बीच में, प्लैनेट और सन के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो आपको यही फार्मूला यूज करना होगा जो मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स में दिखाया है, ठीक है। क्योंकि इसी फार्मूले के जरिए आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप कहोगे सर ये कैपिटल जी क्या है, सो डियर फ्रेंड्स ये कैपिटल जी होता है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एग्जाम में क्या होता है, इस ये जो कैपिटल जी है ना, इसका कभी कभी यूनिट पूछा जाता है, यूनिट पूछेगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू पूछेगा, तो आपका इसको वैल्यू भी याद रखना होगा और इसका यूनिट क्या होता है वो भी याद रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। सो डियर फ्रेंड देखो, अब देखो बेटा ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर। हमें क्या करना है, कैपिटल जी का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, जो एम वन एम टू है उसे एफ की तरफ लेकर आओ और जो डी स्क्वायर है ना उसे भी एफ की तरफ लेकर आओ। क्या होगा देखो, अब देखो बच्चों एफ इंटू, अब डी स्क्वायर यहाँ पर देखो डिनोमीटर में है, इधर चला जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। एम वन इंटू एम टू न्यूमरेटर में है, इधर आ जाएगा तो डिनोमीटर में चला जाएगा, मतलब एम वन इंटू एम टू कैपिटल जी। तो यहाँ पर देखो, अब यूनिट पुट करो, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पर न्यूटन लिखो। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहाँ पर मीटर लिखो। लेकिन यहाँ पर देखोगे डी का स्क्वायर है तो यहाँ पर एम का स्क्वायर करो, अपॉन एम वन इंटू एम टू मतलब मास, मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम मास का यूनिट, तो यहाँ पर किलोग्राम का स्क्वायर करो इंटू किलोग्राम, ये क्या बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया हमारा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का यूनिट, क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसे क्या होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम माइनस स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो एग्जाम में अगर कोई भी यूनिट आ गया तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10^-11, ये होती है कैपिटल जी की वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की। तो एग्जाम में क्या होता है, यूनिट भी पूछा जाता है और कभी कभी वैल्यू भी पूछी जाती है, तो ये अभी आपको यहाँ पर याद रखना है। सो डियर फ्रेंड्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अब क्या होगा बच्चों देखो, हमने क्या देखा था न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, हमने क्या देखा कि मास अगर डबल हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर मास अगर डबल हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि हमने वही देखा था, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों,
इफ द डिस्टेंस गेट डबल, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर डबल हो जाए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गेट फोर टाइम लेस। हमने क्या देखा था बच्चों, जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है, मतलब अगर डिस्टेंस अगर डबल हो जाए ठीक है तो डबल का स्क्वायर क्या होता है, डबल स्क्वायर करोगे तो भाई टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर बनेगा। तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना वो फोर टाइम लेस बनेगा। क्या बनेगा, फोर टाइम लेस। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मान लीजिए 14 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कितना है 14 न्यूटन ठीक है, और डिस्टेंस हमने डबल कर दिया, तो डिस्टेंस अगर हमने डबल कर दिया तो फोर टाइम लेस बनेगा, मतलब 10 न्यूटन हो जाएगा। मतलब देखो डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर टाइम लेस बन जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो बच्चों, अब डिस्टेंस कैसे लेना है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर है तो आप सेंटर से डिस्टेंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इरेगुलर है तो कहाँ से लोगे, तो बच्चों ऑब्जेक्ट अगर इरेगुलर है तो आपको क्या करना है, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास एक्ट करता है ठीक है। अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो आप दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लोगे, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इस तरीके से आप डिस्टेंस वहां पर मेजर कर सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरीके से इरेगुलर है ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट इरेगुलर है तो कैसे आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस कहां से पकड़ोगे, तो आपको डिस्टेंस पकड़ना है सेंटर ऑफ मास से। मतलब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो वहां से आपको डिस्टेंस को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो ये भी चीजें आपको यहां पर याद रखनी होगी डियर फ्रेंड्स। अब देखो बच्चों, आपको कैपिटल जी के बारे में पता है, कैपिटल जी था ना उसका यूनिट बच्चों ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, और इसे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है, दोनों यूनिट सही है। और इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, इसकी वैल्यू थी 6.673 इनटू 10 डेस टू पावर माइनस 11। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल जी को किसने डिस्कवर किया था, तो कैपिटल जी को यहां पर फाइंड आउट किया था हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ठीक है। अब एक्चुअली देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, न्यूटन ने सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट लिया था, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट की थी हेनरी कैवेंडिश ने ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने लगभग सारे पॉइंट कवर किए हैं। अब बच्चों हमने इस चैप्टर के ऊपर तीन वीडियो देख लिए, तीनों वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर किया, सॉरी पॉइंट को कवर किया। सो डियर फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में हम और नए टॉपिक को कवर करेंगे। आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सो तब तक बच्चों, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।